हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 करेंगे, विच इज मोशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी मोशन की, जो ये होती हैं आपकी 5 टोटल: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज थी मोशन की, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा जो हम फिजिकल क्वांटिटीज मोशन में पढ़ते हैं वो ये तीन होती हैं: यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन वाली फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती हैं। सो हमने लास्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन पढ़ा था। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ थ्रू विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेट टू बी एक्सेलरेटेड एज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी मोमेंट। इट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो ईच एंड एवरी मोमेंट पे चेंज होती है, तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उस टाइम पे एक्सेलरेटेड होता है। इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन की बात करें तो मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ाया था। उसके अलावा अगर एक्सेलरेशन देखें तो दो मेनली ब्रॉडली 2 पार्ट्स में वो डिवाइड है: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन और बॉल। फ्रीली फॉलिंग यानी कि फ्री फॉल, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के नीचे गिर रहा है, तो मोशन है। अगर कोई बॉल है या स्टोन है ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल मूवमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। इट मीन्स कि अगर आपकी वेलोसिटी किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल टाइम में चेंज होती है, मीन्स कि अगर आपका टाइम इंटरवल बिल्कुल इक्वल है लेकिन जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो अनइक्वल हैं, तो उसे आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ कार। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन। मोशन इस चैप्टर का नाम है। मैंने जब मोशन की स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे भी आपको मोशन की डेफिनेशन दी थी, बट आज हम मोशन के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, जो 2 पार्ट्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बार एक और मोशन की डेफिनेशन देख लीजिए। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजिशन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज होती है, और किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स कि जो उसे देख रहा है उसके बिहाफ पे अगर उसमें चेंजेस आते हैं पोजिशन में, तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो थिंग मोशन में है। अब अगर बात करें मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की, मोशन का पाथ, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर होता है तो किस तरीके से होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलियर मोशन। इसका मतलब होता है कि जब मोशन, मतलब कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ कार ऑन हाईवे। अगर हाईवे पे कोई कार जा रही है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट ही जाती है, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई टर्न लेना पड़ता है, तो उसे कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर मोशन के पार्ट्स हम देखें तो मोशन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम चीज़ मैंने आपको एक्सेलरेशन में भी पढ़ाई थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स कि डिस्टेंस इक्वल होगा जितना आपने टाइम इंटरवल लिया है, इट इज सेट टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर विदाउट चेंजिंग इज वेलोसिटी। अगर कोई बॉल फ्लोर पे है, आपने उसको एक बार रोल करवा दिया और वो सेम वेलोसिटी से रोल कर रही है,
तो ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड है मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। आपने देखा होगा हमारी जो क्लॉक होती है वॉल क्लॉक या कोई भी आप क्लॉक का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें जो टाइम चलता है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ चलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको डायग्राम शो कर रखा हुआ है 12:02 का, मैंने यहाँ पे देखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12:03:06:09 ये सारा जो हमारी क्लॉक होती है इसमें टाइम का जो इंटरवल है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इक्वल लेवल पे होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। सेकेंड है अ फैन रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। कोई भी फैन है अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ की, तो ग्राफ वाला पोर्शन मैं आपको अलग से भी कवर करूँगी, लेकिन अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में भी ग्राफ आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे ये इधर टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसके अलावा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इन दोनों को सेपरेटली डिफाइन करने के अलावा आपके पास इन पे डिफरेंस का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें भी आप इन एग्जांपल्स के साथ में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स कि जो टाइम का इंटरवल है वो सेम ही है, सपोज 1 आवर है तो वो भी पहले भी 1 आवर था, अभी भी 1 आवर है, लेकिन जो डिस्टेंस कवरेज हो गई वो अनइक्वल हो जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल है ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। आपने देखा होगा अगर किसी भी स्टोन को आप थ्रेड से बांध देते हैं या स्ट्रिंग से बांध देते हैं और उसको रोटेट करवाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाता है। सेम पेंडुलम का है, पहले बहुत स्पीड होती है, फिर धीरे 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 स्लो हो जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाता है। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम एग्जांपल देखें, तो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम हो गया, या फिर मोशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन भी पहले स्लो होती है, देन उसके बाद में एकदम से स्पीड पकड़ती है, और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे चलने लग जाती है। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ देखते हैं, तो हमारा एक ग्राफ होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी पोजीशन में हो सकता है। फर्स्ट देखिए, ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, सेकंड वाला ग्राफ आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, थर्ड ग्राफ आपका यहाँ से इस साइड जा रहा है, तो ये तीन डिफरेंट पोजीशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मीन्स कि जो हमने मोशन पढ़ा है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको हम ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कभी भी हमारे मोशन पे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोनों ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला आपका टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज फॉर बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का मतलब है कि उस पर कोई स्पीड नहीं हो रही है। सेकेंड इज एज द स्लोप इज जीरो सो स्पीड ऑल्सो जीरो। अगर किसी चीज का स्लोप जीरो है तो स्पीड भी जीरो है। दोनों पॉइंट्स का सेम ही मतलब है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में बताया था, ये आपका टाइम हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस, और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ देखिए, टाइम के लिए आप टी यूज़ करेंगे जितने भी इक्वेशंस हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस के लिए आप स्मॉल एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीज विद द टाइम। अगर आपका मोशन में है, कोई चीज़ मोशन में है, उस टाइम पे अगर स्लोप है वो ग्राफ का इंक्रीज करेगा विद द टाइम। देखिए यहाँ पे जैसे ये टाइम है नीचे, और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके इसका डिस्टेंस का लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर डी एक्सेलरेटेड। अगर डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड बढ़ना, और डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड कम होते जाना। अगर मोशन में स्पीड कम होती जा रही है तो जो स्लोप है ग्राफ का वो भी टाइम के साथ में डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। देखिए ये ग्राफ इस तरीके से नीचे की साइड आता जा रहा है। तो ये जो 4 ग्राफ्स है आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रिलेशन को शो करते हैं। सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी की बात करें तो हम उसको वी से डिनोट करेंगे, और कैलकुलेशन में आप इसकी मीटर पर सेकंड लेंगे। टाइम वही सेम टी के लिए रहेगा।
फर्स्ट ग्राफ है आपका व्हेन अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है तो आप देखिए यहाँ पे, और जो स्लोप है वो इसका जीरो एक्सेलरेशन को ही इंडिकेट करेगा। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं उसमें हमारे फोर ग्राफ हैं, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें आपके टोटल सिक्स ग्राफ हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन इज देखिए, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टार्ट एट रेस्ट मतलब कि ये जीरो पोजीशन से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। अब इसमें ये पॉइंट आपका वन मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर किसी भी स्लोप किसी भी ग्राफ में स्लोप अगर वी टी ग्राफ का ग्रेटर होगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी अपने आप इंक्रीज कर जाएगी, तो ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, इसमें भी सेम ही है, अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका जीरो नहीं होगा। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो यहाँ से स्टार्ट ना करके मिड से या कहीं थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन बोला है तो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, स्लोप इंक्रीज विद द टाइम। अगर किसी भी बॉडी की मूवमेंट होती है और उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है तो उसका स्लोप भी इंक्रीज करेगा विद द टाइम। देखिए ये ऊपर की साइड जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी, सेम विद डिस्टेंस। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, स्लोप डिक्रीजेस विद टाइम। ये जितने भी मैंने यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको प्लीज अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपके वन मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है तो उसका जो स्लोप है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने एक्सेलरेशन की बात करी लेकिन इस वाले में हम टाइम थीटा की बात करेंगे, विच इज एंगल। नाउ व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस कि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, जीरो नहीं है, तो एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो जो ग्राफ होगा वो आपका नेगेटिव स्लोप देगा। देखिए यहाँ पे जीरो यहाँ होता, बट यहाँ पे बोला गया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो हमने ऊपर से इसको स्टार्ट किया और जो भी हमारा एंगल आया वो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे उसमें थ्री टाइप्स पढ़े थे, सेम हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। इसके लिए आपका क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा आपको ये जो रिलेशन मैंने दे रखा है इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके पास इनकी डेरिवेशंस भी आ सकती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी होता है। अब इस इक्वेशन को ये ना बोलकर ये बोला जा सकता है कि इसको डिराइव करिए, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन। थर्ड इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेलोसिटी रिलेशन। तो ये आपके पास तीन रिलेशन मतलब नंबर फॉर्म में लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये आपके किसी भी वे में पूछा जा सकता है, आपको ये स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए और ये स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इनकी डेरिवेशन करेंगे कि ये कहाँ से डिराइव हुई और किस तरीके से हमने इनको पढ़ना स्टार्ट किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।